आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर यमुनानगर में स्कूली बच्चों द्वारा नेहरू पार्क से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर नेहरू पार्क में वन एवं पर्यावरण मंत्री ने पौधारोपण भी किया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लगातार हम पर्यावरण की दृष्टि से काम कर रहे हैं, इस बार भी 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले सरकार द्वारा पंचायत की खाली भूमि पर बाग लगाए गए, अब इस बार प्रदेश के सभी शिव धाम यानी शमशान घाटों में जहां पर खाली जगह है उन्हें हरा भरा किया जाएगा और वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों में भी इसके प्रति जागरूकता आए, इसके लिए शिक्षा विभाग में भी हम 9वीं क्लास के जो छात्र हैं उनको एक पेड़ देंगे और वे बच्चे पेड़ लगाएंगे और जब वे 12वीं पास करेंगे तब उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके हिसाब से उन्हें 5 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाज को जागरूक करने के लिए आज बच्चों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई ताकि समाज को इसके बारे में पता चले और यहां पर पौधारोपण भी किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान केवल एक ही है, वह है जागरूकता। जागरूकता से इसके बारे में जानकारी मिलेगी क्या पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है और कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जहां तक वायु प्रदूषण की बात है, काफी हद तक हमने इसको कंट्रोल किया है, लेकिन जल प्रदूषण अभी काफी है। उन सभी को ठीक करने के लिए जहां इंडस्ट्रियलिस्ट के सहयोग की भी जरूरत है, वहीं वायु प्रदूषण के लिए पेड़ लगाने की भी जरूरत है। पानी के बचाव की भी जरूरत है और पानी को दूषित ना हो, गंदगी ना डाले, इसके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। अनट्रीटेड पानी नीचे जमीन में नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी चीजें हैं, ये सब कुछ संभव है अगर सारा समाज जागरूक होगा। आज की रैली विशेष रूप से इसलिए कि समाज में एक संदेश जाए। वहीं उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य 3 करोड़ पेड़ लगाने का है। इससे पहले भी हमने एक योजना चलाई और प्रदेश में पंचायत की जमीन पर बाग लगाने का काम किया। अगर एक बार एक बाग स्थापित होता है तो अगले 50 से 70 वर्ष तक वह सुरक्षित रहता है। इस बार जो शिव धाम है यानी कि शमशान घाट, उसको हमने टारगेट किया है। लगभग सभी शमशान घाट में खाली जगह है, 80% ऐसे शमशान घाट है जहाँ काफी जमीन है। अब की बार हमने उसको टारगेट किया है, उस पर हम पेड़ लगाएंगे और वह हरा भरा होगा। इससे गांव के लोगों को भी फायदा होगा, छाया मिलेगी और पर्यावरण की दृष्टि से लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारी लाइफलाइन है, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वयं अपना अहित करेंगे। अगर पेड़ होंगे तो मौसम ठीक होगा और पर्यावरण ठीक होगा और बरसात भी सही होगी और जमीन का जो पानी का स्तर है तभी ठीक होगा। इस बार हमने शिक्षा में 9वीं क्लास का जो बच्चा है उसको पेड़ देंगे, जब वह 12वीं पास करेगा तब उसकी समीक्षा करेंगे। जैसा पेड़ होगा उसी हिसाब से बच्चे को 1 से 5 नंबर दिए जाएंगे। देखिए, समाज को जागरूक करने के लिए आज बच्चों की एक रैली भी निकाल रहे हैं और ताकि समाज को इसके बारे में पता चले। पर्यावरण आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो इसका समाधान एक ही है और वो है जागरूकता। जब हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है और किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है, लेकिन वाटर पोल्यूशन अभी भी काफ़ी है और इस सारे को ठीक करने के लिए जहाँ इंडस्ट्रीज के भी सहयोग की जरूरत है, वहीं जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए पेड़ लगाने की जरूरत है, पानी के बचाव की भी जरूरत है और पानी में गंदगी ना डालने उसकी भी जरूरत है, जो अनट्रीटेड पानी है और नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारा कुछ तब हो सकता है जब समाज जागरूक होगा। तो आज की जो रैली है बच्चों की, विशेष रूप से इसलिए है कि समाज में उसका एक मैसेज आए और इसके बाद हमारा कार्यक्रम है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का कार्यक्रम है, उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसमें बुलाए गए और आम आदमी भी। देखिए, 3 करोड़ का हमारा टारगेट है अगली बार भी पेड़ लगाने का। हमने पहली बार एक योजना दी थी कि हमने पंचायत की जमीन में बाग लगाने का काम किया, ताकि अगर एक बार बार बाग लगता है तो लगभग 50-60 साल 70 साल तक वो सेफ है, यानी कि वहाँ पेड़ कटेगा नहीं। तो उसको हमने किया। अब की बार जो शिव धाम है शमशान घाट, उसको हमने टारगेट किया है, लगभग वो सारे ही खाली हैं, यानी कि 90% 80% ऐसे शमशान घाट हैं जहाँ पेड़ नहीं है और ज़मीन काफ़ी है। तो अब की बार हमने उसको टारगेट किया है कि हम सब पेड़ लगाएंगे, उनको बनाएंगे। मैं समझता हूँ उससे लोगों को भी, गाँव के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि छाया होगी वहाँ और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। तो पर्यावरण जनता से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारी लाइफलाइन है और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम स्वयं ही अपना अहित करेंगे। तो पानी को सुरक्षित रखना, उसको खराब ना होने देना और अनट्रीटेड पानी वहाँ ना जाए इसका भी, और पेड़ लगाना। अगर पेड़ होंगे तभी मौसम भी ठीक होगा और पर्यावरण भी ठीक होगा
बारिश भी ठीक होगी और जो नीचे का वाटर लेवल है तभी ठीक होगा, तो इसके लिए भी सभी ध्यान देंगे। अब की बार के हमने एजुकेशन में भी इसको हम ले के आए हैं और हम 9th क्लास का जो बच्चा है उसको पेड़ देंगे और जब वो 12वीं पास करेगा तब उसकी समीक्षा करेंगे तो उसके 1 से 5 नंबर तक है, जैसा पेड़ उसका होगा उसके हिसाब से उसको नंबर देंगे, 5 नंबर तक उसको दिए। थैंक यू। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।